कह दिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनाया। चलिए आगे बढ़ेंगे, पीएम मोदी की बात करेंगे क्योंकि गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में सामिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। साथियों, कुछ सेक्टर में तो हमारी ग्रोथ मॉर्स लॉ से भी ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में भारत में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज ये संख्या भी बढ़कर के 850 मिलियन यानी 85 करोड़ से अधिक हो चुकी है, 85 करोड़। ये आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं कह रहे, ये हर आंकड़ा आपकी इंडस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेस का इंडिकेटर है। सेमीकॉन इंडस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज दुनिया 4थी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है, तब तब उसका आधार किसी ना किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था, आज 4थी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लोग टेक फ्रेंडली भी हैं और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को लेकर भी उतने ही फास्ट है। आज भारत में सस्ता डेटा गांव गांव पहुंच रहा, क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस पावर सप्लाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कई गुना बढ़ा रही है।